अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारे लिए इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं है, मैं अकेला खा लूंगा। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा ना? ये तो सरला माई की आवाज है। हाँ, लेकिन याद रखना, वजन में 30 किलो होना ही चाहिए। वजन जितना ज्यादा होगा मेरे लिए उतना ही बेहतर है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ मुझे कल के कल चाहिए। ठीक है, सरला जी किस चीज के बारे में बात कर रही थी? सारा खुद सारी तैयारियां देखूंगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। क्या छानबीन चल रही है? वंश की हल्दी होने वाली है और होने वाली दुल्हन यहाँ मटर गस्ती कर रही है। कोई जरूरत नहीं है तेरी, जा। हो गई बातें तो हल्दी की रस्म शुरू करें। आओ वंश। ये ले वंश की जूठी हल्दी, लगा ले। शादी तो तेरी मुझे उसी से करानी है। ओ बेबी, शादी के लिए ना अपने सैंडल लेना भूल गई, तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ जल्दी आना। ओके। शॉपिंग चली महारानी, अच्छा मौका है निशांत, लूट लीजिए जितना लूटना है। ओ गॉड, कोई मुझे देख ना ले। गिंदे! अरे तुम शॉपिंग जा रही हो, चलो तुम्हें बाड़मेर की सबसे अच्छी शॉप में लेके चलो। शॉपिंग करने नहीं, मुंबई जा रही हूँ। विधि कहाँ हो? हल्दी लगाने का समय हो गया है। ये अपने माँ को भी हल्दी लगाऊंगा। शादी के फंक्शन में कितना मजा आता है ना? ये ये
क्लियर? माँ को पापा की झूठी हल्दी लग गई, वो भी स्टाइल से। बेटा, चोट तो नहीं लगी ना आपको? नो पापा, आई एम फाइन। आप दोनों बिल्कुल मूवी वाले कपल लग रहे हो। तुम बकवास खत्म हो गई हो तो रसम आगे करें। वंश, तू जाके नहा ले। और ये जूठी हल्दी जाते जाते तुलसी जी के पौधे में डाल देना। विधि, आ जाओ। किस चीज का फीडबैक मांग रहे हैं आप? मैंने कोई फ्लाइट बुक नहीं की। लेकिन सर, आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। किसी गिन्नी ने मुंबई की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं आज शाम के फ्लाइट की। क्या? आई विल गेट बैक टू यू। गिन्नी मुंबई क्यों जा रही है? और ये दो टिकट का माजरा क्या है? विधि को खुश देखकर हमारा मन भी हल्का हो गया। उन्हें आगे बढ़ते देखकर हम बहुत खुश हैं। और अब शायद हमारे यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। डॉक्टर रुको। चुनिया, एक काम करो, जाके डॉक्टर हुकुम को लेकर आओ। जाओ। सुनो, अंबे माँ का नाम लेते हुए 108 बार ये माला फेरो। ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके आइए, हम लोग अंबे माँ के प्रसाद की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, माँ को हल्दी नहीं लगाओगी? नहीं, तुम हो ना, तुम लगा लो। तुम जाओ, जाकर माँ को हल्दी लगा दो। हमें बाहर जाना है जरूरी काम से। नहीं करूँ ना, तुम भी लगाओ। जिद क्यों करते हो? हमने कहा ना,
जरूरी काम है, हमारा जाना बहुत जरूरी है। तुम जाओ कान्हा, तुम लगाओ, तुम जाओ। ये क्या, ये तो बच्चे की किक थी। पहले किक और अब हार्ट बीट, इसका मतलब कि विधि की कोख में अब भी अबीर का बच्चा जिंदा है। आज तुम्हारे पेट में से आ रही है ना, ये एहसास आते रहेगी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है, ठीक है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। माँ आ रही है, जल्दी से हाथ लगाओ। साना, साना चलो यहां से निकलो। भगवान ने हमारे अबीर के बच्चे को बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, हम पागल होने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन विधि और हमारे होने वाले वारिस को बचाकर रहेंगे। मैंने आपको कुछ नहीं होने दिया। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो देखिए ऊपर वो सारी रस्सियां सब कट गई और पता नहीं किसी धड़ाम से ऐसे गिर गया, कुछ हो जाता, परिस्थिति को लग जाता तो। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि सजावट के लिए इतनी भारी शीट इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी। कम से कम 30 किलो का वजन होगा इनका, अगर किसी के ऊपर गिर जाती तो लेने के देने पड़ जाते। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा ना? हाँ, लेकिन याद रखना वजन में 30 किलो होना ही चाहिए। ये लो जयपुर की 2 टिकट रखो अपने पास, ठीक है? यहाँ से सीधा जयपुर, वहां से सीधा एयरपोर्ट और उड़ के सीधा मुंबई, है ना? 5 मिनट में बस आ रही है, तब तक मैं पानी और चिप्स ले आता हूँ तुम्हारे लिए। निशांत, आपने मेरी इतनी हेल्प की है, थैंक्स सो मच। मुंबई में ना कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इस बैग्स में ना मैंने बेबे और सिया दीदी के सारे गहने और पैसे डाल दिए हैं, बस वहाँ आराम से सेटल हो जाऊंगी। अरे मेरी भोली बंदरिया, तुम्हें जयपुर ले जाने के बहाने बस में ही बेहोशी की गोली देने का प्लान है हमारा, फिर तुम बस में आराम से सोना और तुम्हारा सारा माल लेके हम उड़न छू।
वंशी जू आप यहाँ कैसे? क्या लगा तुमको? तुम चुपचाप यहां से निकल जाओगी? अरे मां को अकेला छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम? पहले ही मां को एक बेटी के जाने का गम सता रहा है, ऊपर से तुम उनके जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। चलो यहां से। नहीं जीजू, जीजू नहीं, जीजू प्लीज। मैंने कहा ना उठो, चलो यहां से। नहीं, बोला ना, चलो। जीजू प्लीज, जीजू प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अगर बेबे को मेरे प्लान्स के बारे में भनक भी हुई ना तो वो मेरे टोटे टोटे कर देंगी जीजू प्लीज। ये सब बता के मैं माँ को और तकलीफ नहीं दे सकता, और दोबारा ऐसी खुराफात करने की सोची भी ना तो मौत से पहले मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, याद रखना। देवी माँ, मेरा हर बार खाली जा रहा है, मेरे सब को स्वीकार करो और मेरी मनोकामना पूरी करो माँ। आंखें भगवान ने देखने के लिए दी होती, दिखाई नहीं दे रहा। मैं माँ के आगे टक कर रही हूँ, मुझे लेके जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी बर्फ की सिल्ली पिघल जाएगी। लेके जाओ। आप अपने बुरे इरादों के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं नंबे माँ से, लेकिन फिर भी आपका हर बार खाली जा रहा है। क्या कहा? क्यों, जिस 30 किलो के सामान की बात करी थी वो कोई चावल की बोरी तो ना थी, वो तो सजावट की शीट थी जो मारे ऊपर घिरने वाली थी। और मारे को ये भी अच्छे से पता है कि उस स्टोर रूम में जिसमें पटाखे थे उसने भी मारे को आपने ही बंद किया, इसलिए मैं आपके ये बुरे इरादों को कभी सफल नहीं होने दूंगी। उठिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान अपने भक्त की मनोकामना जरूर पूरी करता है, और तुम्हें यहां भेजकर उसने मेरी हार की वजह बता दी। अच्छा हुआ। कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। वो क्या है ना? छुप के वार करना सरला की फितरत में है ही नहीं। सरला रघुवंशी वार और प्यार दोनों सीना ठोक कर करती है। तैयार हो जाओ तुम, क्योंकि अब वार सीधा होगा। अब मुझे इस तप की जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हारी शादी वंश से कभी नहीं होने दूंगी। वाओ डॉग। जूनियर सैम को हमेशा थारी रक्षा करे। सरला जी, आपके बेटे से इसलिए शादी नहीं करना चाहती ताकि वो आपसे दूर हो जाए। मैं बस जूनियर की माँ बनना चाहती हूँ, जूनियर की यशोदा मैया बनना चाहती हूँ। मैं बस जूनियर को इस दुनिया का सारा प्यार, सारा दुलार देना चाहती हूँ। हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इस शादी में कोई विघ्न मत आने दीजिए। आप चाहती हैं ना तो मैं कागज पे लिख कर देती हूँ कि मैं ये शादी सिर्फ जूनियर के लिए कर रही हूँ, और रही बात डॉक्टर साहब की तो
हमारे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त है, वाह गांव की चोरी, अच्छा मजाक कर रही है तू। अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहलाने चली है, बेवकूफ समझा है मुझे? मैं नहीं जानती कि तुम्हारी नजर वंश की दौलत और इस हवेली पर है और उससे शादी करके तुम ये सब हासिल करना चाहते हो। तुम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, मैं तुम्हारा ये मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। और आप चाहे जितने षड्यंत्र रचने ना रच लीजिए, लेकिन ये शादी होगी। मैं जूनियर की मां जरूर बनूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब कि जूनियर इस फसाद के पीछे है? जूनियर है इस फसाद के पीछे? अगर जूनियर ही ना रहा तो क्या करोगे? किसकी आड़ में मेरे बेटे से शादी करोगे बोलो? अब वार तुम पर नहीं होगा, अब वार होगा जूनियर पे। सीधा समझे? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।